का भी मेन बना। अगर आपने पिक्चर देखा हो, आप देखते हैं कौन बेजिंग की गिलास है जो सिल्वर से बना हुआ है, इसमें सिल्वर का फर्नीचर है, गोल्ड के वर्क को बेजिंग की गिलास से बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका त्रिज्ञा फूड एंड ट्रेवल्स में। दोस्तों, राजस्थान सीरीज के एक नए वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए जैसलमेर की पहली हवेली और जैसलमेर की फेमस हवेली पटवा की हवेली का पूरा डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको पटवा की हवेली का पूरा टूर करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके पहले दोस्तों, यदि आपने को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, पटवा की हवेली पटवा परिसर के वास स्थित जैसलमेर की पहली हवेली है और इस पूरे परिसर में कुल 5 हवेलियाँ हैं, जिन्हें गुमनचंद पटवा द्वारा 1805 ईस्वी में अपने 5 बेटों के लिए बनवाया गया था। जो विजिट करने आए इसको बोलते हैं पटवा की हवेली। पटवा कोई जात नहीं था, पात नहीं था, पटवा राजा का दिया हुआ टाइटल था। पटवा बोलते हैं हीरे जवाहरात का काम करने वालों को। इस हवेली को बनाने वाला ऑनर का नाम था गुमानचंद बापना। उनके 5 बेटे थे, 5 बेटों के लिए 5 हवेलियाँ बनाई। उनका व्यापार था हीरे जवाहरात, अफीम, चर्च, गांजा, तस्तरी, और उनका व्यापार था पश्चिमी देशों से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, काबुल, कंधार, तेहरान, तुर्की, चीन, जापान। इतने बड़े व्यापारी थे कि राजा को गोल्ड भी फाइनेंस किया करते थे, इसलिए राजा ने खुश होकर उनको ये टाइटल दिया था पटवा। जब इन व्यापारियों का धीरे धीरे व्यापार ठप होने लगा, तब इन व्यापारियों ने महानगर में रुक किया, जैसे कि बॉम्बे, कोलकाता, दिल्ली की तरफ चले गए। उस वक्त 5 भाइयों में से 2 भाइयों ने 2 हवेलियाँ बेच दी थी। उस वक्त एक हवेली की कीमत ऑनली 60,000-80,000 थी। आज ये हवेली मिल नहीं रही है करोड़ों रुपये में। जब 1971 के अंदर इंदिरा गांधी जी आई, परमाणु परसिंग पोखरण, पोखरण के बाद जैसलमेर का भ्रमण किया, तब उन्होंने इस हवेली को देखा, देखकर इतना इंप्रेस हुए कि हवेली को हेरिटेज में घोषित कर दिया और इस पर बैन लगा दिया। ना इसको कोई बेच सकता है, ना इसको कोई खरीद सकता है। हमारे राजस्थान के 52 नौजवानों में टॉप 10 में इसका नंबर आता है। जैसलमेर का मेन मोनूमेंट है और पिक्चर वालों का भी मेन मोनूमेंट। अगर आपने पिक्चर देखा हो, हम दिन दे चुके सनम, जिसके अंदर पतंग उड़ा इसके ऊपर का भूलैया, एक धारावाहिक आया था बालिका वधू, जिसमें छोटी बच्ची होती थी आनंदी, कई नाम थी, अभी बन के भैया बच्चन पानी बन के भैया, लाल सिंह चड्डा बन के भैया, भूत पुलिस बन के। अच्छा, इनकी शूटिंग यहाँ हुई है? बिल्कुल, कई फिल्में बन चुकी है। अंदर एक लोकल म्यूजियम है जो यहाँ का प्राइवेट है, जो वर्ल्ड फेमस म्यूजियम है। छत के ऊपर गोल्ड दीवारों में चांदी बिल्डिंग के ग्लासे लगे हुए हैं। तो वहाँ अंदर जाओगे, बाहर का भाग है, यहाँ कोई टिकट देने में फोटोग्राफी ना फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हो। अंदर प्राइवेट म्यूजियम देखोगे, म्यूजियम का उन्होंने टिकट लगा के रखा है, 150 रुपये पर पर्सन का है। पूरा हवेली दिखाता है, ऊपर से पूरा सिटी व्यू आता है, क्योंकि वो वर्ल्ड फेमस, इतने दूर से लोग आते हैं, अभी देखते हो जाते हैं, ना देखने हो तो भी आप मना कर सकते हो। पहले यहाँ फोटोग्राफी कर लो, फिर म्यूजियम की झलक देखते हो। ये हवेली दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, बाहर से इतनी रॉयल लगती है यह हवेली कि आप इसको, इसका जो बाहरी रूप है वो देखते ही रह जाएंगे। और ये दोस्तों, पटवों की हवेली का टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, और यहाँ पर जो टिकट है वो है इंडियंस के लिए 150 रुपीज़ पर पर्सन। ये देखिए शीश महल, इसको क्या बोलते हैं, शीश महल। शीश महल ये गोल्ड लगा हुआ है, रियल गोल्ड, गोल्ड बेल्जियम की गिलास है जो सिल्वर से बना हुआ शीश महल। ये एक सीक्रेट लॉकर, यहाँ पर कीमती खजाना हीरे जवाहरात छुपा के पत्थर का लुक दिया जाता था। अच्छा, किसी को मालूम नहीं चलता था कि इसके पीछे भी कोई लॉकर्स है। ये लोग आते थे जैन धर्म से, कौन से धर्म से आते थे, जैन धर्म से। ये उनका हाउस टेम्पल है, पीछे घर का मंदिर। अली का पहला नंबर।
वजन जोड़ते हैं ना, ये वजन के बाद है जिनको शहर भी बोलते हैं, और ये है सुपारी काटने का सरोते। इतने डिजाइनर सब, हाँ अलग अलग डिजाइन है। और ये जैसलमेर वाले ये चमत्कार से कम नहीं। आपको मालूम है जैसलमेर पहले के जमाने में क्या था? पहले के जमाने में क्या था जैसलमेर? जैसलमेर 1200-1800 करोड़ साल पहले जैसलमेर खुद एक समुंदर था, दरिया था। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया समुद्र बढ़ते गया, डेजर्ट कन्वर्ट बढ़ता गया। तो यहाँ से 40 किलोमीटर गाँव है हापुर, वहाँ पर वैज्ञानिक शौक किया तो लगा गया कुछ मिलेगा, तो उस जमीन का खुदाई किया गया तो ये पत्थर का खदान मिला। इसकी विधि के बारे में आपको जानकारी बाद में दूंगा, पहले जरा ये घूमने के लिए। हमारे लिए जैसे मेरा लगता है चमत्कार से कम नहीं। ये देखिए ये मुनिमा के चश्मे अकाउंटेड है, और ये पंखे हाथ से चलने वाले हाथ से बुनने वाले। ये देखिए ये पहले के जमाने बैठक गिरा से जो सिल्वर से बना हुआ पानी था वो लकड़ी वाला है ना, वो गोल में लकड़ी, हाँ वो प्रिंटिंग मशीन है पहले के जमाने। अच्छा। और ये पंखा जो पहले के जमाने में लाइट नहीं थी तो गोबर गैस से चलता था, दोनों तरफ से आवाज देता था। जब मियां बीवी का झगड़ा होता था ना तो मियां एक तरफ को लेते थे, बीवी एक तरफ को लेते थे, पंखा किसी के साथ भेदभाव नहीं करता था, दोनों को हवा बराबर देता था। और ये देखिए टॉयलेट सीट भी है। और ये है वास्तु शास्त्र के हिसाब से बनाएंगे ताले, राशि होता है नाम राशि उसके हिसाब से बनाएंगे ताले। यहाँ डेजर्ट में जाओगे ना शाम को कैंपर पे बैठोगे ना, अच्छा उसके लिए आप राजस्थान में अभी ये है बेडरूम, लकड़ी का छत देखो पहले के जमाने में, इसको बाद में मेंटेन किया गया है। ये जो है ना मिट्टी का, ये पूरा मुल्तानी मिट्टी का किया हुआ है। और ये है चांदी का बेड पूरा, इसके ऊपर बेड से बिछा है चांदी के धागों से बना हुआ है। और ये साइकिल देखो इंग्लैंड से मंगवाया था बच्चों के लिए। उस समय यहाँ पर ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं है तो वहीं से बुलवाएं। ये है लेडीज का सिंगार रूम। अरे वाह। यूएस से मंगवाया था। ये केरोसिन से चलने वाला इस्त्री देखिए। ये ज्वेलरी बॉक्स देखिए, लेडीज का ज्वेलरी बॉक्स। आपने पिक्चर देखा है भूल भुलैया? हाँ। उसके अंदर मंजरी का ये बॉक्स इस्तेमाल करती है। हाँ। लग लिया देख। कौन सा ये बॉक्स? और एक वो एक हाथ से बैल उठा दिए, वो बैल ये था। हाँ छोटा छोटा सीट बनवा लेके जाते हैं। ये सोलह सिंगार का भी दिया हुआ देखो, जब शादी ब्याह फंक्शन होते हैं तो हमारी लेडीज सोलह सिंगार की बार बाहर नहीं निकलती, इसलिए कहते हैं जेंट्स के सोलह संस्कार होते हैं और लेडीज के। कितना पुराना होगा ये? ये 200 साल पुराना है। वो देखते हैं हम देख सामान है हमारा से।
इस हवेली में आपको 200 वर्ष पुराने इस्तेमाल में आने वाले सामान, किचन का सेटअप, डाइनिंग एरिया, ड्रेसिंग एरिया, लिविंग रूम आदि सब कुछ देखने को मिलेगा। आइस बॉक्स भी है। ये लेडीज रूम पहले के जमाने में जो पता पता चलती थी ना, लेडीज अंदर बैठ के खाना खाती थी, बीच में पता होता था और जेंट्स बाहर बैठ के हवेलियों के भीतर मेहराब और प्रवेश द्वार की अपनी अलग ही खासियत है। प्रत्येक हवेली में एक अलग शैली का मिरर वर्क और चित्रों का चित्रण है। इसके झरोखे, मेहराब, बालकनियाँ, प्रवेश द्वार और दीवारों पर भी जटिल नक्काशी और पेंटिंग की गई है। और ये इस पत्थर के अंदर डिजाइन देते ना, पत्थर के अंदर डिजाइन बनाने का औजार है छेनी और हथौड़ी, और ये टेबल सीट है सामान उठाने का लगेज। बैठक यह ड्राइंग रूम, पर्सनल मीटिंग रूम। ये सिल्वर का फर्नीचर है, गोल्ड के वर्क और बेल्जियम के ग्लास से बना हुआ छत। ऊपर छत तो देखो, केरोसिन से चलने वाला फ्रिज, केरोसिन से चलने वाला रूम हीटर। ये म्यूजिक उल्टा करो तो रिकॉर्ड होता है, वो सराई जाम बनाने का। ये मेहमानों का रेस्ट रूम, मेहमान आते हैं ना तो मेहमानों में यहाँ रेस्ट करवाया जाता है, और जब मेहमान रेस्ट करते थक जाते बोर हो जाते अब क्या करें, तो अपना टाइम पास करेंगे चौपर का गेम खेलते और चेस्ट खेलते। और ये है जोधपुर का क्लॉक टावर, आप जोधपुर गए हो ना, ये जोधपुर का क्लॉक टावर है। अच्छा, घंटाघर। अब हम ऊपर की छत पे चलेंगे जहाँ जिसने सलमान खान ऐश्वर्या राय ने पतंग उड़ाया था। ये पांच बेटे का व्यू देखिए, ये पांच बेटे का व्यू जो मैंने बताया, इनके पांच बेटे थे, पांच बेटे का। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। ये किनके बेटे, ये जिनके पटवा पटवा। अच्छा, वो मान जाए किले का ही भाग है, यहाँ पर सैनिकों को बिठाया गया था पहले के जमाने में, क्योंकि अगर कोई दूसरी दुश्मन की सेना चलेगी ना तो दिख सके। अब इसके अंदर होटल, मकान, रेस्टोरेंट टोटल। कहाँ किले पे? राजस्थान का ऐसा पहला किला, राजा बाहर रहता है, परचा अंदर। ओनली फॉर होटल, मकान, रेस्टोरेंट, कहीं पब्लिक नजर आ रही, कोई टूरिस्ट नजर आ रहे हैं? यह लोग रहते होटल मकान ये सब,
अच्छा होटल मकान दुकान रेस्टोरेंट। दोस्तों पटवो की हवेली वास्तुकला का एक दिलचस्प नमूना है और जैसलमेर की हवेलियों में सबसे महत्वपूर्ण है। इसके महत्वपूर्ण होने के दो कारण हैं। पहला तो ये कि ये जैसलमेर में बनी पहली हवेली थी और दूसरी यह कि ये एक हवेली नहीं है बल्कि पांच छोटी छोटी हवेलियों का समूह है और इन हवेलियों को ब्रोकेड व्यापारियों की हवेली के रूप में भी माना जाता है। ये नाम शायद इसलिए दिया गया क्योंकि परिवार जिन्होंने ये हवेली बनाई थी वे कढ़ाई वाले कपड़ों में इस्तेमाल होने वाले सोने और चांदी के धागों का कारोबार करते थे। तो दोस्तों यदि आप जैसलमेर घूमने जा रहे हैं तो पटवो की हवेली घूमना ना भूलिए। पटवो की हवेली का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों हम आपके लिए ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।